नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे शौर्य और आप देख रहे हैं द चौपाल। केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे देश की मुख्य धारा में शामिल कर लिया और जब से यह ऐलान हुआ है तब से पाकिस्तान की बौखलाहट देखने लायक है। दो दिनों तक माथापच्ची करने के बाद पाकिस्तान सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि भारत को सबक सिखाना चाहिए। अब सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापार को रद्द कर दिया और डिप्लोमेटिक संबंधों में भी कटौती कर दी। मतलब ये कि अब पाकिस्तान भारत से ना तो कुछ खरीदेगा और ना ही भारत को कुछ बेचेगा। साथ ही साथ वो नई दिल्ली से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाएगा और इस्लामाबाद से भारत के उच्चायुक्त को भारत भेजेगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने एयर स्पेस भी बंद कर दिए हैं, लेकिन भारत को इससे कोई घाटा नहीं होने वाला। आइए आपको बताते हैं कैसे। पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार रद्द करने की घोषणा की, जबकि सच्चाई तो यह है कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। इससे पाकिस्तान से भारत में आयात मार्च में ही 92% घट चुका है। भारत के साथ वह पहले से ही व्यापार घाटे में था और अब यह अंतर बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान पर भारत की निर्भरता बहुत कम है, जबकि पाकिस्तान अपने रोजमर्रा की जरूरत की तमाम चीजें भारत से मंगाता है। आपको तो याद होगा ही, जब भारत ने पाकिस्तान को टमाटर बेचना बंद किया था तो किस तरह से वहां तौबा तौबा का मकाम आ गया था। पाकिस्तान प्याज भी भारत से मंगवाता है। अब द्विपक्षीय व्यापार बंद होने के बाद आशंका है कि पाकिस्तान में फिर से तौबा तौबा का मकाम आने वाला है। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक संबंधों में भी कटौती कर दी है। भारत के उच्चायुक्त को वो भारत भेजेगा जबकि अपने उच्चायुक्त को वापस अपने देश बुलाएगा। लेकिन सच ये है कि इस वक्त भारत में पाकिस्तान का कोई उच्चायुक्त है ही नहीं। पाकिस्तान ने मोइन उल हक को भारत के उच्चायुक्त के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने अभी तक नई दिल्ली आकर अपना कार्यभार नहीं संभाला था। पाकिस्तान पत्रकार नायला इनायत ने इस पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, नई दिल्ली में इस वक्त पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर है ही नहीं, लेकिन हम चाहें तो अपना एम्बेसडर नई दिल्ली भेजकर कल उन्हें वापस बुला सकते हैं। इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और भारत पर दबाव भी। पाकिस्तान ने अपने कुछ एयर स्पेस को भी भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी द्वारा नोटिस टू एयरमैन के मुताबिक एयर स्पेस 6 अगस्त से 5 सितंबर तक के लिए बंद रहेंगे। लाहौर रीजन में विदेशी विमानों को 46,000 फीट से नीचे उड़ाने की अनुमति नहीं होगी, जबकि अफगानिस्तान से उड़ान भरने वाले जहाजों को वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल का निर्देश दिया गया है। पाकिस्तानी एयर स्पेस से इंडिया की रोजाना करीब 50 फ्लाइट्स जाती हैं। एयर इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान के फैसले से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे यात्रा के समय में बस 12 मिनट का बदलाव होगा। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपने सभी एयर स्पेस को बंद कर दिया था, जबकि भारत में सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था। भारत के कदम से इमरान खान अपने ही देश में बुरी तरह घिरे हुए हैं और जिस तरह से दुनिया के किसी भी देश ने कश्मीर पर सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, उससे पाकिस्तान की विदेश नीति भी वहां के सवालों के घेरे में है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट और छटपटाहट है कि वो अपने हिसाब से फैसले ले रहा है जिससे भारत पे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ले या ना ले। मतलब कि वो व्यापार बंद करे तो भी वाह, ना करे तो भी वाह, इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो उसी को पड़ेगा। तो निश्चिंत रहिए, पाकिस्तान द्वारा किसी भी संबंध को ख़त्म करने से हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो बस 370 हटा है, एक रूप एक देश अखंड भारत के इस संकल्प को एंजॉय कीजिए, अच्छे से बिल्कुल सरकार का समर्थन कीजिए और देशवासियों से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए।